हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज़ ऑडिबल नाउ इन दिस सेशन। सो गाइस, आज हम सेशन में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, जो कि हमारे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम के पेपर में आने वाली है। सो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो हो सकता है हमें वहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश जो कन्वर्जन है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है हमें वर्ड्स ही माइंड में ना आए, तो उस समय क्या करेंगे। तो बेटर है इफ़ वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अगर अभी फ़िलहाल समय है तो क्यों ना तैयारी इसकी कर ली जाए। ठीक है, सो चलिए रोज़ या बीच बीच में आपको ट्रांसलेशन की जो क्लासेस है वो मेरी तरफ से आपको मिलती रहेगी। लेट मी चेक, क्योंकि एक बार मुझे चेक करने दीजिए ऑडियो इज़ ऑडिबल और नॉट। चलिए, सो बात करते हैं आज के सेशन की। सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम सभी को। सेशन की शुरुआत मैं यही कहूँगी कि एज़ वी नो 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। 30 मार्क्स के क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव पार्ट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। सब्जेक्टिव पार्ट में आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा एसे, राइट, जिसे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको मिल सकता है लेटर का, और थर्ड जो क्वेश्चन है दैट विल बी ऑफ अ प्रेसी, और फोर्थ इज ऑफ ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन बेसिकली आपको हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए बोला जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है। ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं चार, इसको 30 मार्क्स में डिवाइड किए जाएंगे। हो सकता है आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आए, हो सकता है 4 के 4 क्वेश्चन आए। इसकी आपको 4 एटलीस्ट 4 ऑप्शंस मिलेंगी कि चारों में से आप चूज कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन मिलता है, इसमें एज इट इज़ ऑप्शन नहीं दिया जाता, लेकिन आपको उसी में से प्रेसी को शॉर्ट में लिखना है। ट्रांसलेशन में भी कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह से। सो आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन, आपके लिए ये डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए, मैंने यहाँ पे एक पैसेज लिया है, पैसेज हिंदी में लिया है, कॉमन पैसेज लिया है। ट्रांसलेशन में हो सकता है कोई आपको हिस्टोरिकल पैसेज दे दे, हो सकता है कोई रीसेंट आर्टिकल से पैसेज दे दे, हो सकता है किसी किसी भी कोई भी कॉमन बुक से वो पैसेज को पिक कर ले और उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोल दिया जा सकता है। हो सकता है पैसेज आपको फॉर्मल पैसेज मिल जाए, हो सकता है कोई कैजुअल सा पैसेज मिल जाए। सो आपको दोनों के लिए ही रेडी रहना है। एज सच कोई वहाँ आपका जो एसएससी बोर्ड है उनकी तरफ से कोई इस तरह से नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। तो ये पैसेज एक गिवन है, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे। तो ये पैसेज है, मैं पैसेज को यहाँ नहीं पढ़ूंगी, एक एक करके हम सेंटेंस को ही समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक दिन हम चांद पर होंगे। शो क्या के लिए वी हैव यूज वर्ड वन, ठीक है, कभी किसी ने के लिए हमने यूज किया है वन। हैव एवर थॉट दैट वन डे कॉमा क्या है कि हम एक दिन चांद पर होंगे, दैट वी विल बी ऑन द मून। तो विल यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमने एक दिन आने वाले समय की बात की है, तो फ्यूचर की फॉर्मेशन चल रही है। विल बी ऑन द मून, मून जो है एक ऐसा नाउन है, ऐसा एक नाउन है जो कॉमन नहीं है। तो मून जो है इसे हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के साथ, मून हो गया, सन हो गया, इनके साथ हमेशा द यूज होगा। सो वुड वन एवर हैव एवर थॉट दैट वन डे वी विल बी ऑन द मून। एक बेसिक सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, आने वाले सेशंस में हम सेंटेंस टू सेंटेंस ट्रांसलेशंस करेंगे। एक ओवरव्यू इसलिए दिया जा रहा है सो दैट आपको आइडिया लगे कि किस तरह से पैसेजेस को या सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है। कभी भी पैसेज आपको दिया जाएगा, कितना भी बड़ा पैसेज क्यों ना हो, उसे कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनिशियली उसको वन बाय वन सेंटेंस की तरह ही पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा। ये सपना जैसा ही था, है ना। अब आप कहते हो कि मैम क्वेश्चन टैग कैसे यूज किए जाते हैं, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है क्वेश्चन टैग का, उसने क्वेश्चन टैग यहाँ पे यूज किया है। सो इसे हम क्या करेंगे, कॉमा है, इसे हम बैकवर्ड फॉर्मेशन में यूज करेंगे। ये के लिए हमने क्या यूज़ किया है, सब्जेक्ट यूज़ किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, फिर वर्ब यूज़ किया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट यूज़ किया है। था के लिए हमने
वॉज यूज कर दिया, वॉज ही था के लिए जस्ट, ठीक है। कैसे बैकवर्ड में यूज किया, जैसा ही था, लाइक किसकी तरह, अ ड्रीम। सो अगर हम यहाँ से इस तरह से यूज करते बनाते हैं सेंटेंस को तो बहुत ईजी बन जाता है। नॉर्मली जो सिंपल स्टेटमेंट्स रहती हैं वो इसी तरह से बनती हैं, कंपाउंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर और तरीके का बन जाता है ना। के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन टैग की फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। वॉज एज इट इज़ वॉज आ जाएगा, ये पॉजिटिव फॉर्मेशन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने स्टेटमेंट को कर दिया है। लेकिन अब लगता है कि ये निकट भविष्य में संभव होने वाला है, बट देखो लेकिन अब लगता है, नाउ इट सीम्स कि ये निकट, अब यहाँ तक हमने कर लिया कि दैट ये निकट भविष्य में संभव होने वाला है। सो होने वाला है, अगर कोई भी चीज़ भविष्य में होने वाली है उसे हम जनरली किस में यूज करते हैं, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। सो ये के लिए हमने इट लगा दिया। अब हम अगेन बैक से शुरू करेंगे, वाला है, होने वाला, इट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल, या हैपन भी लिख सकते हैं, हैपन इन कमिंग फ्यूचर या नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर। सो ये संभव, निकट, निकट के लिए हम कोई ना कोई नियर या कमिंग वर्ड जरूर लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसलेशन में जो है ये गिवन है, सो इन नियर फ्यूचर। ठीक इसी तरह के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सिमिलरली जो भी कुछ आज हमें मुश्किल लगता है का मतलब हो गया हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है दैट इज़ गोइंग इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्मेट, जिसमें हम यूज़ करते हैं ता है, ते है, ती है, ता, ते और ती की फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं अगर, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगेगा। सो कुछ आज हमें, जो भी कुछ आज हमें मुश्किल लगता है, वॉट एवर, जो भी के लिए हमने वॉट एवर किया है, कुछ है ना, सीम्स डिफिकल्ट टू अस टूडे इज नॉट नेसेसरली डिफिकल्ट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया है, हमने सिंपल प्रेजेंट में फॉर्मेटिंग यूज़ करी है, इसीलिए देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर हमें कम से कम प्रयास ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर के लिए देखो करना चाहिए, चाहिए के लिए वर्ड होंगे, या तो शुड यूज़ कर सकते हैं या तो मस्ट यूज़ कर सकते हैं, दोनों एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ज़रूर का मतलब हो गया, उसने एक इम्पॉर्टेंस दे दी है इस आपके स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे हम मस्ट को ही यूज़ करेंगे, वी मस्ट, हमें के लिए हम वी लगाएंगे। अब अगेन हम यहाँ से बैक से अगर हम इसको यूज़ करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करती हूँ, तो अगर हम इसको बैक से पीछे से अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, हमें कम से कम करना चाहिए, चाहिए के लिए हमने क्या यूज़ किया, मस्ट, कम से कम के लिए एटलीस्ट क्या करना चाहिए, प्रयास, तो ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। तो इस तरह से अगर हम बैक में स्टेटमेंट यहाँ से बनाते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिख लिया करो, फिर हमारा वर्ब क्या है या हेल्पिंग वर्ब क्या है वो देखने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे ही देखना पड़ेगा। और साथ ही एज वेल हमें अगेन वी धैर्य भी रखना चाहिए, चाहिए के लिए अगेन, अब कोई ज़रूर वाला शब्द नहीं है तो हम शुड ही यूज़ कर देंगे यहाँ पे, वी शुड कीप पेशेंस बिकॉज, क्योंकि अगर कोई चीज़ उतनी मुश्किल नहीं है, बिकॉज समथिंग इफ़ नॉट दैट डिफिकल्ट इज़ नॉट दैट ईजी आइदर। सो आइदर केस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं अगर मुश्किल भी नहीं है तो आसान भी नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज़ होने के लिए हम आइदर केस लगाते हैं। सो इसे भी हमने इसी तरह से यूज़ किया है। आप सेंटेंस बाय सेंटेंस हम आने वाले सेशंस में ज़रूर सीखेंगे किस तरह से सेंटेंस बाय सेंटेंस ट्रांसलेशंस की जाती हैं, उससे आपको श्योरली हेल्प मिलेगा, और आपको कनेक्टेड रहना है 12 बजे के सेशन में। और ये पैसेज था जो आज हमने किया है, ये कंप्लीट पैसेज है, इसको कंप्लीट पैसेज को हम इस तरह से कर रहे हैं। सो आप, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, इसी तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं 12 बजे के सेशन में, 12 बजे के सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा, और ये ट्रांसलेशन के सेशंस जो हैं आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।